अरे भाभी वैसे नहीं, जैसे कल बनाया था ना वैसे बनाओ, ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ 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 बना रही हूँ। यहाँ बैठ के इंस्ट्रक्शंस ही देता रहेगा, हेल्प भी करेगा। मैं यहाँ बैठे बैठे कर रहा हूँ। हाँ। बुलबुल भाभी। हाँ मैं आई। चाची चाची अगर इन्हीं कामों में लगे रहे तो अभी के पास से मेरी फोटोज का आइडिया कैसे सोचेंगे? मैं तो ये सोच रही हूँ कि सोचना क्या है। हाँ क्या कहा आपने? मारा मतलब ये है कि मैं एक काम करते करते 18 चीजें सोच लेती हूँ ना, इसीलिए थोड़ी मल्टीटास्किंग। तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई आइडिया निकाल लेंगे। कल ज्योति के सासरे वाले आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और बुलबुल तुम घर की बीननी हो, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये देखना कि सब ठीक से हो रहा है कि नहीं, कोई गलती तो नहीं कर रहा, सब कुछ अच्छे से संभाल लेना। हाँ जी मासा, मैं सब संभालूंगी। और सुनो मैं जरा देख कर आती हूँ कि मंदिर की सजावट ठीक से हुई है कि नहीं, सब यहाँ देख लेना। माँ मैं सब करवा दूँगा। हाँ तू ये रख पहले जो खा रहा है। चाची हाँ कुछ सोचा आपने? अब वो मैं चाची मैं अभी के प्लान के बारे में कुछ ना कुछ सोचना होगा, ये बहुत डेंजरस है। वो डेंजरस है? अगर वो डेंजरस है ना तो मैं भी पुश करके बुलबुलू। तुम ज्यादा चिंता मत करो, हमारा दिमाग ना बहुत तेज है, कोई ना कोई आइडिया तो मैं सोच ही लूंगी। कौन सा आइडिया? किस आइडिया के बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? सजावट का आइडिया। सजावट कैसे करनी है उसी का आइडिया। जीजी इतना सारा काम है ना, इतना बड़ा फंक्शन है, मासा ने बहुत सारा काम दिया और मैं इस घर की बहू हूँ, तुम्हारी को तो करना होगा ना अच्छे से सब। वही आइडिया की बात हो रही। हाँ हाँ बुलबुल तूने एक काम कर, तूने डेकोरेशन के अलग अलग आइडिया सोच और मैं और वर्णिका बाहर जाके कुछ जरूरी सामान ले आते हैं। मुझे चाची के साथ कल रात के प्लान के बारे में बात करनी है, मैं अभी कहीं नहीं जा सकती। चल वर्णिका चल। दृष्टिदीप आप चाहिए मार्केट? मुझे बुलबुल चाची के साथ कुछ काम है। मौसम इतनी तेजी से अपना रुख नहीं बदलता जितनी तेजी से वर्णिका अपनी साइड बदलती है। बुलबुल ने कहीं वर्णिका को बता तो नहीं दिया कि उसकी चीटिंग वाली बात मैंने वीर को बताई थी? वर्णिका वर्णिका तुम ऐसे परेशान मत रहो, वरना सबको पता चल जाएगा कि कोई परेशानी है। हंसो हंसो। बहुत दिनों के बाद पत्नी का कुछ स्माइल करते हुए देखा, अच्छा है। विशेष भाई पत्नी का कितनी अपसेट थी और अब कितनी खुश है। वैसे तेरे भाभी में बात तो है, जिससे भी मिलती है बात करती है उसका दिल भी लग जाता है और उसे प्यार भी हो जाता है। भाभी में बात तो है पर दूसरों को प्यार हो जाता है या आपको प्यार हो रहा? मैं आजकल देख रहा हूँ पूरे मजनू मैंने घूम रहा हूँ भाभी के आगे पीछे। थोड़ा उम्र के हिसाब से बोला कर। उम्र के हिसाब से बोला कर तो ठीक है, आप बोल दो आप प्यार नहीं करते। मान जाऊंगा। बोलो बोलो। बुलबुल कल 32वीं न्योते की रस्म में ज्योति ने कुछ खास बातें ध्यान रखने को कहा है, सुनो। प्याज और लहसुन का हाथ ना प्रसाद को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि उस समय ना रसोई में प्याज और लहसुन होना ही नहीं चाहिए। तो कल सबसे पहले तुम ठीक से रसोई की सफाई करना। कल तो मुझे कैसे भी करके अभी से मिलने जाना है और घर में भी फंक्शन है, रसोई की सफाई भी करनी है, इतना सब कुछ कैसे करूंगी मैं?
तुम सुन रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? इधर उधर क्या देख रही हो? वो आप कुछ बोल रहे थे। प्याज और लहसुन रसोई में नहीं होना चाहिए। हाँ वही, अब प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए, वही ढूंढ रही थी। अभी रात को ही सब सफाई कर देती हूँ। तो रसोई में हाँ क्या देख रही हो? प्याज और लहसुन तो हमेशा उसी टोकरी में होता है। होले अब बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। अब मां साहब एक काम करिए, आप है ना चद्दर तान के ना जाके घोड़े बेच के सो जाइए। मैं सब मेरा मतलब है आप आराम से सो जाइए, मैं सब संभाल लूंगी, मैं कर लूंगी सब कुछ। कल सब संभाल लोगी ना? हाँ ठीक है, तुम पर विश्वास है, सब सही से करना। ठीक ये सब चीजें कल शाम के प्लान में काम आएंगी। बेलन चाकू मसाला तो रखती है, पता नहीं इससे क्या होगा। लेकिन मारी गुड़ की डेली भी तो कहती है कि कुछ ना होने से बेहतर तो ये कि कुछ हो जाए। खाटू श्याम जी बस अब आप हमारा साथ देना। बुलबुल सब लोग सो रहे। बुलबुल नया नाम रख दिया तुमने मेरा, भूत। अरे तो इतनी रात को आप चुप चुप के भूत की तरह क्यों आ रहे थे? जैसे जैसे काम वैसा वैसा नाम। मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया था। और ये चॉकलेट देने, तुम्हें पसंद है ना ये चॉकलेट? वो वर्निका बहुत अपसेट थी बहुत दिनों से, आज मैंने देखा वो तुम्हारे साथ बैठ के मुस्कुरा रही थी। जो रिया वाला एक्सीडेंट उसकी आंखों के सामने हुआ, मुझे लगा नहीं था वो इतनी जल्दी मुस्कुराएगी। मैं उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देख पाऊँ, लेकिन तुम्हारी वजह से वो मुस्कुरा रही थी। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ बुलबुल। थैंक यू। अब चाहिए? बुलबुल सुनो, वो वर्णिका ने तुमसे रिया के बारे में कुछ कहा? नहीं 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 चाची प्लीज, ये बात चाची को मत बताइए प्लीज। अरे क्या हुआ? क्या बुलबुल? बुल एक सेकेंड। पानी पियो। बेटा यू ओके? हाँ। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वर्णिका ने तुमसे रिया के बारे में कुछ कहा? अरे को माफ कर दीजिएगा खाटू श्याम जी, मैं अपने पति से झूठ बोलने जा रही हूँ। बुलबुल। हाँ वो रिया ने खुदकुशी करने की कोशिश की तो वर्णिका बस थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अब जब उसे पता चल गया है कि वो ठीक है तो वर्णिका भी बेहतर महसूस कर रही है बस। और कुछ ना बताया उसने। बहुत जल्दी इस केस को भी सॉल्व कर दूंगा। और मुझे एक बात बताओ, वो जो एक्सीडेंट हुआ तो भूत भूत वायु और लोग सो रहे हैं घर में, और तुझे भी मैं भूत दिखाई दे रहा हूँ। शेर भाई और मुझे भी मतलब? भाभी क्या कर रहा है तू यहाँ पर? पहले ये बताओ आप यहाँ क्या कर रहे? तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं और पापा रूम में चेस खेल रहे थे तो पापा को नींद नहीं आ रही थी तो उनको नींद की गोली देनी थी, और रूम में पानी था नहीं तो मैं पानी लेने आया था। वीर भाई आइए ना, एक गेम आप भी खेलिए मेरे साथ। मुझे नहीं खेलनी चेस। अरे एक गेम पक्का बेइज्जती नहीं अच्छा। करूंगा। बुलबुल नजर आया ठीक है? हाँ। चल चल।
खुशबुसा की सयानी, रीत की छोटी गोली दे गई मारे को खुशबुस आइडिया की गोली, मैं चन्ना लगी बनने। और ये वर्णिका के लिए। थैंक यू वीर चाचू। थानेदार सर, आपको लड़कियों के पिंक टॉप, ब्लैक टॉप, करली बाल, ये सब खूब याद रहते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए तोहफा लाना नहीं याद रहा? और कुछ नहीं है,